बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाह किचन में मैं हाजिर हूँ। आज मैं गोश्त का सालन बना रही हूँ। सिंपल हम रोज़मर्रा के लिए जो गोश्त बनाते हैं उस तरह से बना रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 किलो गोश्त है, मैं साफ धो के रखी हूँ। 2 टमाटर काट के रखी हूँ और 4 टेबल स्पून पूरे भर के अदरक लहसुन पेस्ट है। यहाँ पे 5 प्याज को मैंने फ्राई करके रखी हूँ। टेस्ट के हिसाब से नमक है और ये मसाले हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ली हूँ, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी चिली पाउडर, और यहाँ पे सोप पाउडर है वो 1 टेबल स्पून है, और 1 टीस्पून मैंने भर के हल्दी पाउडर ली हूँ, और 1 टीस्पून मैंने जीरा ली हूँ। जीरा के भुना हुआ जीरा है, दरदरा पिसा हुआ है। और यहाँ पे मैंने पतीली में 4 चम्मच भर के तेल डाली हूँ, मैं पूरा गर्म मसाला डाली हूँ, तेज़ पत्ता, और ये पुलाव पत्ती है। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसे गोश्त डाल के फिर ज़रा भूनूंगी। इससे पहले भी मैंने 2 गोश्त का सालन बनाए हैं, लेकिन अलग तरीके से बनाए हैं। गैस को मैं हाई फ्लेम पर रखी हूँ। 5 मिनट में इसको भूनूंगी। गोश्त भूनते वक्त मैं इसमें नमक भी डालूंगी। आप देख सकते हैं गोश्त को मैं अच्छे से भून के साइड में की हूँ, पतीली में से निकाली हूँ, और गोश्त को मैं तकरीबन 10-15 मिनट मैंने इसको भूनी हूँ। यहाँ पे पतीली में 1 चम्मच वापस से तेल डाली हूँ। तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं डालूँगी अदरक लहसुन पेस्ट। तेल में इसलिए पहले डालूँ ताकि इसका कच्चापन चला जाए। डालूंगी कटे हुए 2 टमाटर। इसे मैं अच्छे से भूनूंगी। मैंने प्याज पहले क्यों नहीं डाली, ताकि उसे प्याज में बिस्सा बना के साइड में पहले से रखती हूँ। अगर पहले डालती तो थोड़ा उसका कलर चेंज डार्क हो जाएगा। टमाटर सॉफ्ट होने तक 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। अदरक लहसुन वाले पेस्ट वाले कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी डालूंगी। टमाटर हमारा अच्छे सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। 2 किलो के लिए मैंने तकरीबन बड़ी साइज के 5 प्याज ली हूँ। अब डालूंगी सारे मसाले।
इसे भी अच्छे से भूनूंगी। तो मसालों का कच्चापन ज़रा भी नहीं रहे। मैंने गोश्त जो भुनी थी उसका पानी निकला था, फिर गोश्त जब भुनने के लिए डालते उसका पानी छूट जाता है, तो वह पानी निकाल कर रखी थी, इसे थोड़ा थोड़ा करके डाली थी। अब उसमें मसाला भूनूंगी। साव डालेंगे, मसाला अच्छा भुनने तक मैं चम्मच हिलाते रहूंगी। अब डालूंगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। मैंने सारे गरम मसाले खड़े गरम मसाले डाले हुए, इसके लिए मैं पाउडर थोड़ा कम ही डालती हूँ। और थोड़ा पानी बचा वो भी डालूंगी। देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुना गया है, बहुत अच्छा कलर भी आया है। अब मैं इसमें गोश्त डालूंगी। भुने हुए गोश्त का छुटा हुआ पानी गोश्त में आ थोड़ा था, इसलिए अभी पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसी में ही मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं गोश्त अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुका है और बॉईल भी आ चुका है। अब इसमें बारीक गैस के ऊपर दम पे दूंगी। इसे मैं 20-25 मिनट के लिए दम पे दूँ, बाद में चेक करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं हमारा गोश्त पक गया है कि नहीं। गोश्त हमारा तकरीबन हो चुका है, थोड़ा और बाकी है। यहाँ पर मैंने आलू काट के रखे हूँ, यह साफ धो के पानी में डाली हूँ। ये पानी के साथ ही मैं आलू डालूँगी, ताकि ये सालन बना रही हूँ चावल के साथ, इसे थोड़ा पतला चाहिए। दो हरी मिर्च डाल रही हूँ, हरा धनिया, बॉईल होने के बाद मैं इसे वापस से ढक के रखूँगी आलू सॉफ्ट होने तक। गैस को मैं लो पे कर रही हूँ, 5-7 मिनट हो चुके हैं,
हम चेक कर दें हमारा आलू सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड की थी, अब एकदम परफेक्ट हो चुका है। थोड़ा सा और आलू कितना बाकी है हम वापस से 2-5 मिनट के लिए रखेंगे। हम वापस से चेक करें हमारे गोश्त के अंदर जो आलू डाला हुआ वो सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। हमारा आलू भी सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है और गोश्त भी पक चुका है। अब मैं गैस ऑफ करती हूँ और सर्व करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का गोश्त हमारे गांव में शादियों में बनता है, मसाला भून के और गोश्त भून के, तो शादी वाला देगी गोश्त भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा गोश्त बनके तैयार है, बकरे का गोश्त है। मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। आपको अगर ये मेरी गोश्त की रेसिपी पसंद आई, गोश्त के सालन की रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।